भारत के इतिहास से भारत के लोगों का बहुत पुराना संबंध रहा है। सदियों से हमारे राजा महाराजाओं ने भारत देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ऐसे ही एक महान राजा के बारे में हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। जी हाँ, उस राजा का नाम है तुकोजी होलकर। उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तुकोजीराव होलकर का जन्म, परिवार, धर्म, जाति, बर्थ, फैमिली, रिलीजन, कास्ट। पूरा नाम तुकोजीराव होलकर। प्रसिद्धि अहिल्याबाई होलकर के। उपलब्धि होलकर वंश के शासक। जन्म सन 1723 में। जन्म स्थान इंदौर। मौत सन 1797 में। शासनकाल सन 1795-1797 तक। उत्तरवर्ती कैसे राव होलकर। पिता का नाम तनुजी होलकर। धर्म हिंदू। जाति होल। तुकोजी राव होलकर इतिहास हिस्ट्री। तुकोजी राव होलकर के इतिहास एवं उनके जीवन के बारे में सभी चीजें हम यहां आपको बता रहे हैं। इस लेख को अंत तक पढ़ें। कौन है तुकोजी राव होलकर? तुकोजी राव होलकर को अहिल्याबाई होलकर के सेनापति के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में होलकर वंश के शासक बने। तुकोजीराव होलकर का परिवार फैमिली। जी राव होलकर का जन्म 1723 में इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम तनुजी होलकर था और वह भी एक मशहूर और बलवान शासक थे। तुकोजी राव होलकर प्रारंभिक जीवन अर्ली लाइफ। तुकोजी अहिल्याबाई के कार्यवाहक अधिकारी के रूप में उनकी इच्छाओं तथा आदेशों का पालन किया करते थे। अहिल्याबाई को दान भक्ति के लिए बहुत जाना जाता है। वे सदैव अपनी भक्ति और दान में व्यस्त रहती थी। वे कभी भी अपने साम्राज्य और सेना को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके चलते वह सारा कार्यभार तुकोजी होलकर को संभालना पड़ता था। तुकोजी होलकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी तथा अविवेकी पुरुष थे। प्रारंभ में मराठा अभियानों में वह महाजी के साथ सहयोगी की तरह काम करते थे। तुकोजी राव होलकर युद्ध कौशल। बड़गांव तथा तालेगांव के बीच जब ब्रिटिश सेना का युद्ध हुआ, उस समय महाजी के साथ तुकोजी होलकर भी अपना योगदान दिया था। तुकोजी होलकर दूरदर्शिता के अभाव की वजह से अपने अधीनस्थ व्यक्तियों तथा सचिवों हाथ की कठपुतली बन गया था। तुकोजी अविवेकी पुरुष होने की वजह से पेशवा की आज्ञाओं का हमेशा से नजरअंदाज करता रहता था, जिसकी वजह से 1792 में शिंदे के विरुद्ध उसने सरदारों को उभारा, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाजी ने उसको खत्म करने के लिए 8 अक्टूबर 1792 को राव भाव की मदद से सुरावली नामक स्थान पर होलकर पर आकस्मिक आक्रमण करवाया। तुकोजी होलकर के बहुत सारे सैनिक इस आक्रमण में मारे। मल्हार राव होलकर द्वारा प्रशंसा। मल्हार राव के सबसे ज्यादा वफादार सेनापति के रूप में श्रीमंत तुकोजी राव होलकर को जाना जाता था। जब मल्हार राव मृत्यु की शैया पर सोए थे, तब तुकोजी राव की सराहना उस राजघराने के हर व्यक्ति के द्वारा सुनी जाती थी, जिसकी वजह से तुकोजीराव का सम्मान और निष्ठा राज्य में बहुत अधिक बढ़ गया। उस सम्मान और निष्ठा को देखकर मल्हार राव ने तुकोजीराव को अपनी मृत्यु के बाद सिंहासन का अधिपति घोषित किया और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो राजकुमार माली राव होलकर मल्हार राव के पोते के रक्षक बन सकते हो। अहिल्याबाई होलकर के प्रति निष्ठा। मालेराव होलकर का जीवन काल अधिक नहीं था। बीमारी के कारण 13 मार्च 1767 में ही उनका निधन हो गया था।
जिसके चलते अहिल्याबाई के कंधों पर पूरे राज्य का कार्यभार सौंप दिया गया, परंतु अहिल्याबाई भी राज्य के कार्यभार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, लेकिन तुकोजीराव ने मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं को राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अहिल्याबाई के सामने सेवा में प्रस्तुत कर दिया। अहिल्याबाई ने भी तुकोजीराव पर विश्वास करके राज्य का महत्वपूर्ण कार्यभार उसके कंधों पर सौंप दिया, जो तुकोजीराव ने बखूबी निभाया। तुकोजीराव होलकर होलकर वंश के शासक। अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद होलकर वंश का शासक तुकोजीराव को बनाया गया। सन 1795 से लेकर 1797 के दौरान तुकोजीराव होलकर इंदौर के शासक के रूप में कार्यरत रहे। तुकोजीराव होलकर सेनापति। मल्हार राव के शासनकाल में तुकोजीराव उनकी सेना के सम्माननीय सेनापति रहे, इसलिए अहिल्याबाई ने भी अपने राज्य में उन्हें एक महान सेनापति के रूप में स्थापित किया और लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। तुकोजीराव शाही घराने की ओर अपनी प्रतिष्ठा और भावना के लिए बहुत जाने जाते थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अधिक कर्तव्य परायण भी थे। अहिल्याबाई के शासनकाल सेनापति के रूप में जब तुकोजीराव होलकर ने सेनापति की कमान संभाली, तब लाहौर, अटक और पेशावर की लड़ाई में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तुकोजीराव होलकर निधन, डेथ। वह इतिहास के ऐसे सेनापति बने जिन्होंने पंजाब और अटक तथा पेशावर के प्रमुख क्षेत्रों में एक महान मराठा के रूप में सेनाओं की कमान संभाली। उस युद्ध में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद 15 अगस्त 1797 में उनका निधन हो गया। अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद भी उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक सेनापति के रूप में ही राज्य की कमान संभाले रखी। मालवा के लोग तुकोजीराव पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए सेनापति के साथ ही शासक रूप में भी उन्हें स्वीकार किया और वे उनके राज्य में अपने आप को सुरक्षित मानते थे। तुकोजीराव एक महान, वफादार और कर्तव्य परायण सेनापति के रूप में इतिहास में मशहूर हो गए।